स्वर्गीय सहायक यहोवा परम पिता परमेश्वर एवं प्रभु ईसा मसीह स्वर्गीय गुरु श्री को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वर्गीय पिता श्री, हमारे भैया पास्टर लाजी विश्वकर्मा गुरु श्री को तहे दिल से नमस्ते एवं कलिसिया वाले भाई जनों को नमस्ते। मैं रंजन पुत्र गांव मऊवार खैरा जिला औरंगाबाद बिहार से विलम्ब करता हूँ। मेरी गवाही यह है कि मुझे 2003 ईस्वी में 10 वर्ष की अवस्था में मिर्गी रोग हुआ, जो मुझे 2004 ईस्वी में डॉक्टर के सिन्हा रांची इलाज हुआ, जो टेग्रिटॉक्सी या 200 mg का टैबलेट मिला और उसको 3 साल खाने का दवाई दिया गया। लेकिन मुझसे भूल हुई बाल अवस्था में, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई पढ़ता था औरंगाबाद में, तो मैं 2 ही साल खाकर उस दवा को छोड़ दिया। फिर उसके बाद मुझे 2011 ईस्वी में इंटर क्लास में था तो ये रोग उत्पन्न हुआ और बहुत हार्ड हुआ, जो टेग्रिटॉक्सी या 200 mg काम करना बंद कर दिया। तो वहाँ पर के सिन्हा ने मुझे जेन रिटायर्ड 400 mg का टैबलेट दिया, जो उससे नशा होता था, नशा होने लगता था, चक्कर आता था, लेकिन उससे भी रोग ठीक ना हुआ। हफ्ता में 1 दिन 2 दिन पटकना ही है। फिर उसके बाद 2016 ईस्वी में मुझे हमारे बड़े भैया भोला भैया ने छत्तीसगढ़ बुलाया और बोला कि आओ यहाँ तुम्हें आयुर्वेदिक दवा कराते हैं। तो मैंने भी अपना बड़ा भैया का बात माना और गया तो वहाँ नाक में आयुर्वेदिक दवा सुबह शाम डलाता था, जो बहुत हार्ड दर्द होता था, जो इतना दर्द परपराना होता था जो सहने से भी ज़्यादा था। फिर भी मैं किसी तरह सहता था और उसके बाद 6 महीना डराया लगभग, तो भी मेरा कोई प्रभाव नहीं हुआ। मैं सोच लिया कि मेरा ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, जो आज तक मैंने शादी ना किया, मेरा जन्म 93 का है। मैं दिन काटता रहा। फिर 2020 ईस्वी में लॉकडाउन लगा तो उस समय मैं छत्तीसगढ़ में ही भैया के साथ वहाँ बिजनेस कर रहा था, तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई। माँ के मृत्यु के समय लॉकडाउन की वजह से हम लोग दोनों भाई में कोई बिहार नहीं आ सके, क्योंकि वहाँ थाना इंचार्ज नहीं दे रहा था। वो बोला कि तुम अपना माँ का काम क्रिया यहीं कर लो, हम लोग भी तुम्हारा साथ देंगे। तो फिर थाने का भी बात माना और माँ का काम क्रिया छत्तीसगढ़ में ही किया। फिर उसके बाद 2020 ईस्वी दशहरा के समय मैं बिहार आया तो माँ मुई थी और मेरा और क्या है, शादी भी नहीं हुआ है, तुम नाराज था। मेरी बड़ी दीदी ने मुझे नाराज देखी आने के बाद तो बोली कि चलो से टेंशन में क्यों हो, तुम्हारा एक कल्याण अभी बच रहा है जो तुम नहीं गए हो। तो हम भी कहें कि चलिए दीदी के बात है। तो दीदी मुझे हाथ पकड़ कर चर्च में ले गए, वहाँ पास्टर लाल जी मुझे कुछ समझाएं बुझाएं और अच्छा सलाह दिए। मुझे भी अच्छा लगा कि यह एक रास्ता ठीक है, प्रभु तो सबका एक है, माँ भी चल गई है, अगर संजोग हुआ तो अभी से भी प्रभु हमें जो मैं पीछे हूँ वो आगात करेंगे। तो उन पे बात मान लिया। हमारे गुरु श्री पास्टर लाल जी विश्वकर्मा गुरु श्री का देन है जो उन्होंने मेरे नाम से मुझे चंगाई किया और चंगाई करते करते आज मतलब लगभग साल भर हो गया। साल भर में मैं मिर्गी रोग वायरस रोग से 100% ठीक हूँ, जो मैं आज है गवाही दे रहा हूँ। अगर पिता श्री का चाहत है कि स्वर्ग का राज पृथ्वी पर आए, तो मेरा भी चाहत है कि स्वर्ग का राज पृथ्वी पर आए। और पिता श्री का चाहत है कि सारा जगत दुनिया उद्धार हो, तो मेरा भी चाहत है कि सारा जगत दुनिया उद्धार हो। जीवन पुत्र उद्धार मांगू नासरी के नाम से, आमीन आमीन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।